बलिया नगर निकाय चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बलिया के बैरिया नगर पंचायत में कमल का फूल खिलेगा, ये दावा किया है उम्मीदवार मंटन वर्मा ने। आपको बता दें, बलिया के बैरिया नगर पंचायत में एक बार फिर कमल का फूल खिलने जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी मंटन वर्मा ने इसका बड़ा दावा किया है। मदन वर्मा ने बताया कि बैरिया नगर पंचायत में उन्होंने खूब विकास कार्य किए हैं और उसी विकास कार्य के बल पर दोबारा जनता हम लोगों को चुनने जा रही है। हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मुझे नशेड़ी से लेकर मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है और इसकी जांच चल रही है। हम लोग जो विकास कराए हैं, कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको लिया गया है। और जो हम लोगों का पानी की समस्या आरओ प्लांट वाली थी, आपको पहले जो वार्ता बता चुके थे, वो हम लोग विकास घोषणा पत्र में है। बाकी सौर ऊर्जा की लाइट की व्यवस्था है और जहाँ तहाँ कहीं जल निकासी की समस्या है उसको भी पूरा करने का हम लोगों ने हुआ किया। और बैरिया नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा के लिए भी हम लोग घोषणा पत्र में है। तो ये युवाओं के लिए हम लोग प्लेग्राउंड के, खेलकूद के मैदान की व्यवस्था किए हैं। हम लोग जमीन का उपलब्धता हो गया है, अब उसको शासन बेचकर उस वक्त जो भी हम लोग खेल लड़कों के लिए, युवाओं के लिए जो सुविधा चाहिए उनको मुहैया कराने के लिए हम लोग उस वक्त कार्यरत करेंगे। विकास अपने कहने से तो नहीं होता, हम आप खुद बैरिया में नगर पंचायत में घूम के देखिए, आपको हर जगह विकास कार्य दिखाई देगा। हर मोहल्ले में, हर गली चौराहे में, हर चट्टी चौराहे पर आपको विकास कार्य दिखाई देगा। देखिए, अगर हम नशेड़ी और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहते तो दोबारा या तिबारा हमको जनता नहीं चुनती। एक ही लक्ष्य है कि हर मतदाता से कम 5 बार हम संपर्क करें और जो हमारी केंद्र की सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, जो प्रदेश के विकास की योजनाएं हैं और जो नगर पंचायत के विकास की योजनाएं हैं, हम लोग विकास के मुद्दे पर ही देश में, प्रदेश में और नगर पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का भारी सहयोग है और भारी बहुमत के साथ विकास के नाम पर पुनः यहाँ कमल खिले। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है, लिहाजा इस बार फिर बैरिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और साथ ही साथ भारी मतों से शांति देवी विजयी होने जा रही हैं। यूपी न्यूज 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।